ये डीजे एसिड है, मैंने आपको इसके बारे में बताया था। ये सड़कों पे रहने वाला एक बैल है जिसके ऊपर किसी ने तेजाब फेंक दिया और इसकी बहुत सारी चमड़ी जल गई। अब कायदे से जो भी ये जली हुई चमड़ी है हमें इसको उतार लेना चाहिए, इस पे हमें बर्न वुंड वाली ड्रेसिंग लगानी चाहिए जो हर 2 घंटे में बदलेगी, और इसको किसी क्लिनिकल सेटिंग में रखना चाहिए जहाँ बिल्कुल साफ सफाई हो, यहाँ नहीं जहाँ पे हर जगह गोबर है, इन्फेक्शन है। पर बर्न वुंड वाली ड्रेसिंग लार्ज एनिमल्स के लिए ऐसी कोई अवेलेबल नहीं है, हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हम उसे बना सकें। फिर इसको बहुत ज्यादा फ्लूइड्स लग रहे हैं जिसके लिए कोई बंदा इसके साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि ह्यूमन तो है नहीं ना कि सुई घुसाई टेप लगाई और छोड़ दिया, लेकिन ये एग्रेसिव है, ये मारता है, इसका कुछ पता नहीं है। ये इतने ज्यादा दर्द में है, इसको हम पेन किलर देते हैं तो इसको डायरिया लग रहा है, क्योंकि जिस अमाउंट में हमें इसको पेन किलर देने पड़ रहे हैं, कायदे से ओपिएट बेस्ड जैसे इंसानों के लिए मॉर्फिन वगैरह आता है, वैसा कोई पेन किलर लार्ज एनिमल्स के लिए होना चाहिए। हमारा देश इतनी डेयरी करता है पर इन लोगों के लिए कोई अच्छे पेन किलर अवेलेबल नहीं है। मैं आपको 100 बातों की एक बात बताऊं, ये यहाँ पे दर्द में है, ये यहाँ पे बचेगा नहीं। तो आप अगर हो भैया कोई सरकारी अधिकारी या आप किसी बड़े कोऑपरेटिव के मालिक हो या चलाते हो कोई बड़ी अच्छी गौशाला, तो इसको यहाँ से ले जाओ, तभी ये बचेगा। लेकिन अगर ये एक आपने बचा भी लिया ना, मैं आपको एक बात बताऊं, सड़कों पे लोगों ने बैलों को छोड़ना नहीं है, वो उनको काटेंगे, मारेंगे, जलाएंगे, और डेयरी वाले बैलों को, बूढ़ी गाय को सड़क पे ही छोड़ेंगे क्योंकि उनसे उनको कोई मुनाफा नहीं है। तो आप मुझे बताओ कि भाई मैं क्या गलत कह रहा हूं जब मैं कहता हूं कि अहिंसा एक तरफ है और दूध दूसरी तरफ।